वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। लड़कियों को टोकने के बाद आने वाले अलग अलग जवाब, कारगर के साथ काम दाम करने के बाद जवाब आता है, चल चूतिया निकल यहाँ से। गर्लफ्रेंड के साथ काम दाम करने के बाद गर्लफ्रेंड अक्सर बोलती है, जानू शादी कब करोगे। घर में नौकरानी के साथ काम दाम करने के बाद नौकरानी बोलती है, साहब सैलरी तो अब बढ़ा दे। बीवी के साथ काम दाम करने के बाद जवाब आता है, कमीने अब मत आना नजदीक 3-4 दिन तक। पप्पू के घर भीख मांगने एक औरत आई। भीख मांगने वाली बोली, कुछ दे दो। पप्पू बोला, क्या दूं? वो बोली, जो दे सकते हो फ्री में दे दो। पप्पू हरामी बोला, चल बैठ मेरे औजार पे, तुझे फ्री में झटके दे देता हूँ। औरत हकीम के पास गई इलाज करने। हकीम ने औरत का हाथ कुछ वक्त के लिए पकड़े रखा और बोला, आप ठीक हो, आपके शोर में औलाद ना पैदा करने की कमी है। औरत बोली, कमीने टोकने का बहाना मत बनाओ, पूरे मोहल्ले में कमी है क्या? लड़की अपनी माँ से बोली, मम्मा मैं पप्पू से प्यार करती हूँ, इसी से शादी करूँगी। मम्मी बोली, कुछ करता भी है कि नहीं? लड़की बोली, अभी ऊपर ऊपर से करता है और नीचे शादी के बाद करेगा। मम्मी ने फिर दिए लड़की को चप्पल पे चप्पल। एक लड़की को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी की पहली रात इसको पता लगा कि इसकी शोहर का तो एक ही पाँव है। वापस लेके आकर अपनी माँ से बोली, माँ मेरे शोहर का तो सिर्फ एक फुट है। माँ हैरान होकर बोली, बेटी तो तुमको और कितना बड़ा चाहिए? एक लड़की की जींस देखकर पप्पू बोला, अरे मैडम कभी शलवार कमीज भी पहन लिया करो। लड़की भी बहुत तेज थी। पहली दफा पप्पू को टक्कर की लड़की मिली। लड़की बोली, क्या करूं भाई, तेरे जीजा जी को नाड़ा खोलना जो नहीं आता। पप्पू बोला, साला ये तो गजब की बेइज्जती हो गई। मैडम ने क्लास में सवाल पूछा, गर्लफ्रेंड कार गर्ल और बीवी में क्या फर्क है? मैडम का ये सवाल सुनते ही सारे क्लास वेलो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद पप्पू बोला, मैडम प्रीपेड कार गर्ल, पोस्टपेड गर्लफ्रेंड और अनलिमिटेड बीवी जो हर वक्त दस्तयाब होती है। एक औरत सोफे पर बैठी हुई थी जिसकी शलवार पटी हुई थी। इसका शोहर सामने बैठा तो बीवी के नीचे ध्यान से देखने लगा। बीवी मुस्कुराती हुई बोली, जानू क्या देख रहे हो इसे ध्यान के साथ? शोहर बोला, कमीनी तुमने तो डरा ही दिया, मैंने सोचा कि सोफा पट गया है। क्लास में किसी लड़की की कॉपी चोरी हो गई तो मैडम बोली, शाबाश बेटा, जिसने भी चोरी की है वो खुद ही दे दे, नहीं तो मैं सबके बैग खुद चेक करूंगी। मैडम सबकी बैग चेक करने लगी तो पप्पू के बैग में एक कंडोम मिला। मैडम बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में ये बैग में रखते हुए? पप्पू बोला, तो क्या मैडम इस उम्र में बाप बन जाऊं? बॉयफ्रेंड मुझे बर्थडे पर 2 किस चाहिए। गर्लफ्रेंड हमेशा गंदी बात मत किया कर, कुछ और मांग लो अच्छा सा। बॉयफ्रेंड चलो ठीक है, फिर एक अच्छा सा आईफोन ही दिला दे। गर्लफ्रेंड बोली, कमीने जल्दी बता किस कौन सा दूं?